देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पेड़ से टकराई गाड़ी, बालक की मौत, सगे भाई पर जानलेवा हमला, युवक ने लगाई फांसी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पेड़ से टकराई गाड़ी, बालक की मौत। घर से दोपहिया वाहन लेकर निकला बालक गाड़ी को संभाल नहीं पाया, अनियंत्रित होकर गाड़ी पेड़ से जा टकराई। बालक जख्मी हो गया था, उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। यह घटना जरीपटका के समता नगर इलाके में हुई। मृतक समता नगर नारी निवासी कृष विजय गौते बताया गया है। कृष 9वीं कक्षा में पढ़ता था। विगत 18 जून की रात 8 बजे के दौरान कृष अपने पिता की मोपेड लेकर घर से निकला। घर के पास ही उसका गाड़ी से नियंत्रण छूट गया और सीधे पेड़ से टकरा गया। बुरी तरह जख्मी होने के कारण उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार देर रात उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मेडिकल पुलिस बूथ में मिली जानकारी के आधार पर जरीपटका पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर सगे भाई पर जानलेवा हमला। वाठोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने मामूली विवाद के कारण अपने सगे भाई पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। यह घटना वाठोड़ा में हुई है। पुलिस ने प्रजापति नगर निवासी स्वप्निल पांडुरंग बनकर की शिकायत पर राहुल पांडुरंग बनकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्वप्निल और राहुल सगे भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच बनती नहीं है। दोनों एक ही मकान में अलग अलग रहते हैं, उनके बाथरूम भी अलग अलग है। दोनों के बीच मामूली कलह आम बात हो गई थी। बुधवार की शाम स्वप्निल ने राहुल का बाथरूम इस्तेमाल कर लिया, इस वजह से राहुल भड़क गया, दोनों के बीच विवाद हो गया। राहुल ने लोहे की रॉड से स्वप्निल के सिर और छाती पर वार किया, स्टील की बकेट से सिर पर मार दी और बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वाठोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। स्वप्निल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। उसका बयान दर्ज कर पुलिस ने राहुल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। तो वहीं तीसरी ओर युवक ने लगाई फांसी। गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक टेकड़ीवाड़ी जूनी बस्ती निवासी सतीश गुलाबराव यूके बताया जा रहा है। सतीश बुधवार की रात भोजन करने के बाद सोने चला गया। देर रात उसने छत की बल्ली से रस्सी बांधकर फांसी लगा ली। गुरुवार की सुबह 6 बजे के दौरान परिजनों की नींद खुली तो सतीश फंदे पर लटका दिखाई दिया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर कुणाल शर्मा के अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आत्महत्या करने का पता नहीं चल पाया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।